करना, मुंह खोल के आगे आना है, पीछे नहीं होना, खाते समय कुछ भी नहीं होगा। और इंस्टाग्राम वर्दी खाना भी हम लोग खा रहे हैं। आज के दिन में मेरे ऊपर एक गाना सूट कर रहा है, वो है आवारा हूँ, क्योंकि मैं घर पे हूँ ही नहीं। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। आज चढ़ने वाला दिन है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं अभी सुबह उठ गई हूँ। और सीन ऐसा है कि मैं आज सीपी जा रही हूँ अपने दोस्तों से मिलने। मतलब मुझे ना दो तीन दोस्त हैं मेरे जो मुझे बहुत प्यारे हैं, और उसमें से कुछ लोग आज आ रहे हैं, तो मैंने सोचा सीपी जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और आप आज का दिन मेरे साथ बिताओगे और लोगों से भी मिलोगे। तो मेरे घर से मेट्रो स्टेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट दूर है, और जब मैं ऑफिस जाती थी कितनी बार पापा यहाँ होते थे तो वो मुझे ड्रॉप करते थे, तो आज भी कुछ भी ऐसे ही होने वाला है। चलो, आज दिल्ली का मौसम भी काफी मजेदार है। मतलब आई थिंक गर्मी नहीं लगेगी आज घूमने में, और क्लाउड्स भी दिख रहे हैं तो बारिश नहीं होगी, जस्ट इट इज अ गुड वेदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ जर्नी। पापा विदेश नहीं जा रहा, मैं फ्रेंड्स के साथ मिलने तो जा रहे हो। वही वही वही, ठीक है, ओके। तो मैं इस स्टेशन से काफी टाइम ऑफिस गई हूँ। ये वाला जो स्टेशन है, दिस इज Sector 18/Sector 19 रोहिणी, और कार्ड मैंने ले लिया है, सो दिस इज माय कार्ड, पापा से बोरो किया है मैंने आज। ओके, एक्साइटेड टू मीट पीपल, नंबर वन, excited to go to CP, number 2, excited to ride in Delhi Metro, number 3. Time था जब मैं बहुत तेज से अंदर भाग के आती थी, फट से मेरी सीट ऐसा होता था, बट आज मेट्रो पूरी खाली है, मतलब राइट एंड लेफ्ट इट्स ऑल एम्प्टी। मे बी इट्स संडे, मे बी द टाइमिंग इज सच। आई एम गोना रीच राजीव चौक इन हाफ एन आवर और सो, और फिर मैं मिलूंगी अपने फ्रेंड से। आई एम मीटिंग समबडी हु आई नो फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड, एंड आई वांट टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, मतलब समबडी जिसे ना मज़े आते हैं दोस्ती करने में, और नए दोस्त जो बनाने में बड़ी मुश्किल होती है, बट पुराने वालों के साथ ना एक अलग कनेक्ट होता है। सो आई एम गोना मीट हर, आई एम गोना मीट वन मोर फ्रेंड, ओके, तो उन लोगों से मिलेंगे। सो मेरा स्टेशन नेक्स्ट है राजीव चौक, और ये अभी करंट हालत है, पूरी मेट्रो भरी पड़ी है, एकदम टाइट एम टाइट। तो एग्जिट ले लिया है लास्ट में, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि मतलब बस रियलाइज़ हो गया मुझे भी आर इन दिल्ली राइट नाउ। और अभी मुझे एग्जिट लेना है एग्जिट नंबर 8 से, विच इज़ दिस वन। अब मैं थोड़ा थोड़ा भूल भी गई हूँ, मतलब पहले मुझे पता होता था कि 7 मतलब क्या, 8 मतलब क्या, दिस इज़ पंचशील मार्ग और बाबा खड़ग सिंह मार्ग। तो मैं ना टेक द एग्जिट फ्रॉम योर, और बाहर जाके मिलती हूँ। आई कैन नॉट प्लेस राइट नाउ, एंड मुझे तो इनफैक्ट ये लंदन जैसा लगता है, मतलब जहाँ हम रहते हैं, लुक एट इट, है ना वाइब सेम, है ना, कमेंट करके बता रहा मुझे। एज इफ नाउ मीटिंग फॉर माय फ्रेंड, ठीक है, और यहाँ पे मतलब आते ही मुझे तो आपको पता है मेरा लाइफ में इंटरेस्ट क्या है, खाना। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग शॉप्स होती हैं जिसमें अमेजिंग छोटा मोटा खाना मिलता है, फ्रॉम शेक्स टू स्वीट कॉर्न चाट टू रोल्स, एवरीथिंग। तो कुछ ऐसी लोकल शॉप्स होती हैं, कुछ ब्रांड्स भी यहाँ पे, जैसे केवेंटर्स, रोल्स किंग, वो सब। So the plan is to wait for her and then I'll ask her and request her to go to a chhapri place, क्योंकि मुझे तो ब्रांड का खाना खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, एंड आई थिंक शी इज़ कॉलिंग, सो मैं उससे बात करती हूँ और फिर बताती हूँ क्या सीन है। शी इज योर, द पीस ऑफ माई हार्ट इज योर, एंड ऑल्सो वी हैव कार्तिके। हाय कार्तिके, कैसे हो आप? I'm very well. हाँ, सब सही? Yeah, all well, all good. Yeah. We had a hectic weekend last week. हाँ. So we were in a wedding of my sister and all. So yeah, we came back last night. तो exactly I'll tell you हुआ क्या है? उनके घर में शादी है और इनकी बहन का रिसेप्शन आज है. Still she is here to meet me. So thank you for that. और तुम कुछ बोलना चाहोगे मेरे बारे में? तुमसे मिलने के लिए तो मैं टाइम निकाल ही लेती यार। यार अब क्या बोलूँ यार। और बाय द वे, इनका ना एम्पोरियम था, एम्पोरियम समझ में आता है जैसे आर्चीज। तो ये लड़की मुझे हर महीने गिफ्ट देती थी, और वो जो गिफ्ट का ट्रेडिशन है आज भी है, एंड आई डोंट फील गिल्टी, आई एम वेरी मीन, बट मेरे को नहीं लगता, मुझे लगता है ये तो मेरी है, दे दी है तो ठीक है ना। और अभी खाने का टाइम हो चुका है और हमने खाया पास्ता, और क्या ये कौन सा था, चीजी फ्राइज, चीजी तंदूरी चीजी फ्राइज, दिस इज किटकैट शेक, और दिस इज
कोल्ड कॉफी एंड दिस इज जस्ट द पार्ट वन, पार्ट टू आने वाला है. और ये मैडम बहुत खुश है मुझे मिलके, और उनका सगर दुनिया में ये लड़की कैसे मिल गई मुझे. बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं. और कार्तिक हम सब बैठ के बोर हो रहे हैं. नहीं बोर नहीं हो रहा, एंजॉय कर रहा हूँ. पक्का? या एग्जैक्टली. नहीं टाइम हो गया था, इतने टाइम से सोचे थे अब मिलेंगे अब मिलेंगे. फाइनली. और जो पक्का खानी थी जो मैंने सोचा था मैं दिल्ली आऊंगी तो पक्का खाऊंगी, दैट इज फायर पान. और फायर हो जाएगी फायर. तुम फीका खा रहे हो? हम लोग यहाँ से फायर पान खाएंगे. और मेरा फर्स्ट टाइम है तो मेरा मुंह नहीं जलना चाहिए. नंबर वन. नंबर टू स्वाद आना चाहिए. नंबर थ्री क्या है? तुम हो टेस्टी होगा. हम लोगों ने बहुत सुना है इसके बारे में. आई हैव नेवर ट्राइड. हाँ बट आज मीठा पान ट्राई करते हैं. बस आपको कुछ नहीं करना, मुंह खोल के आगे आना है. पीछे नहीं होना खाते समय. कुछ भी नहीं होगा. ध्यान से. हाँ वो गारंटी मेरी है. क्या कर रहे हैं दोबारा बताओ. आगे आइए. पीछे मत होना. अब थम्स अप करो. थोड़ा सा डर लगा बट मजे आ गए. मेरे को खाना था यार. मेरे फ्रेंड यूएस से आके कर रहे थे. मैं यहाँ पे हूँ. मजेदार. थैंक यू भैया. वेलकम मैम. सुपर कूल. एक चीज खरीदी यहाँ पे ऐसे क्यूट सी. भैया क्या बोलते हैं इसको? क्या लट्टू? बेबलेट. ओ मुझे लगा लट्टू. लट्टू अपने लिए तो लट्टू है तो मैंने ये मिस्टू के लिए खरीदा है. भैया चला के दिखाना. ओ रात में और मजे आएंगे इसमें. जबरदस्त. 50 रुपए का है. थैंक यू भैया. मेरी फ्रेंड चली गई यार. आई एम वेटिंग फॉर समबडी एल्स राइट नाउ. और मैं यहाँ पे आके वापस से इनकी तरफ खींची चली आई. मुझे ना ये झुमके वुमके बड़े पसंद है. मतलब क्या बोलूँ मैं यार. और मैंने ये खरीदा अभी यहाँ से. दिस इज़ फॉर 100 रुपीज़ ओनली. और मैंने ये पूरा व्लॉग बनाया कि यहाँ पे ना जनपद पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं. ये जो कान के झुमके हैं या फिर ये जो मतलब बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, इन सब का लिंक है डिस्क्रिप्शन में. डू चेकआउट माई जनपद व्लॉग. बातें कर रहे हैं हम अपना दिल का बोझ हल्का कर रहे हैं. एंड रिचा इज प्रशांत. वेरी गुड फ्रेंड्स वाइफ राइट. एंड दिस इज हाउ वी मेट. और हम लोग एक बारात में बहुत नाचे थे याद है आपको? हाँ मिंजा की शादी में. और वहाँ हमारी दोस्ती हुई थी. और तो दोस्ती कंटिन्यू स्टिल नाउ. और हम क्या खा रहे हैं? बर्गर्स में सूप और मोमोज. तो अभी हम बातें कर रहे हैं गॉसिप. गॉसिप तो मिलती नहीं है तो हम यही कर रहे हैं. व्लॉगिंग के पार्ट नहीं बन सकता. तो ठीक है. सी यू. बाय बाय. तो स्टेशन दिस इज 4:30 PM. और अभी मुझे लग रहा है बातें बहुत ज़्यादा हो गई और मुझे घर जाना है. और थोड़ा सा लेट हो गया है तो मुझे फटाफट से नीचे जाना है. एंड इनफैक्ट भीड़ भी बहुत ज़्यादा लग रही है तो मुझे लग रहा है आज ट्रेन में बहुत अच्छे से धक्के मिलने वाले हैं. पुरानी यादें ताज़े होने वाली है. बट ठीक है. पापा को मैंने बोल दिया है कि मैं निकल गई हूँ सो ही विल पिक मी अप. मैंने पहले सोची थी कैब करके जाऊँ बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे जल्दी सोचेगा. आई रियली रितू सब्सक्राइब कर देना. ऐसे भी होते हैं भैया? ऐसे भी करते सब्सक्राइब? कर देना फिर. सो मैं आ गई हूँ सेक्टर 18 का स्टेशन. एंड आई कैन सी पापा. एंड व्हेन पापा इज़ योर नो फियर. मतलब अगर पापा है ना तो कैसा है ना कि लाइफ में बहुत सिक्योरिटी है. जो भी है पापा संभाल लेंगे. बट यहाँ से निकलना नहीं संभालेंगे. आई हैव टू गो द अदर वे राउंड. पापा इज योर बैकिंग इस कार ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो. एंड आई गेस पापा. हाँ जी. एंड पापा इज योर लाइफ में नो फियर. हाँ चलो लेट्स गो. कैसा रहा फ्रेंड मीट? बहुत अच्छा. बहुत मजा आए. कम बैक होम. और हमारे मिल्लू इज योर. हाय मिल्लू. हेलो मिल्लू. मिष्टू अभी सो रही थी और मैंने उसे उठा दिया. और हाँ कोको मेलन चाहिए मिष्टू को. मिष्टू क्या चाहिए बोलो? कोको बोलो. कोको. वाव. क्लैप 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 क्लैप. ये मिष्टू पैसा वसूल है यार. ये 50 रुपए में क्या मिल गया? बच्चा खुश है हमारा है. तो अभी हम लोग निकल गए हैं. एंड आज के दिन में मेरे ऊपर एक गाना सूट कर रहा है वो है आवारा हूँ क्योंकि मैं घर पे हूँ ही नहीं. और अब मैं घर से निकल गए हैं. और हम कहाँ जा रहे हैं चिंटू? मॉल.
और हम बिल्कुल लेट जा रहे हैं क्योंकि कट टू कट मतलब चिंटू का लाइफ में उसका एक्शन चाहिए तो मतलब ऐसा चाहिए कि वो शटर हमारे मुंह पे डाउन करे तो हम बहुत लेट जा रहे हैं बट आई एम थिंकिंग कि कुछ मिल जाए मुझे और उसके बाद हम लोग डोसा खाने जाएंगे तो आज मतलब मैंने डोसा भी कट टू कट ही रहेगा कट टू कट रहेगा वो भी कट टू कट रहेगा मुझे लग रहा है वी विल हैव समथिंग डिनर आउटसाइड हमारा ऐसा हो जाएगा आज बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट और बस ठीक है आज पूरा दिन मैंने बाहर निकाल दिया तो बस ठीक है मेरी आंखें ना आई एम पुटिंग एन एफर्ट टू ओपन देम क्योंकि मैं टायर्ड हूँ बट घूमने का जो कीड़ा है वो काट चुका है तो ठीक है आई एम इन लाइफस्टाइल राइट नाउ और ये लोग मोर चले गए और मुझे कुछ खरीदना है यहाँ से फटाफट से और अभी 8 बजने वाले हैं तो मैं ना यहाँ पे वॉलेट देखने आई थी अपने लिए और मुझे ऐसा छोटू वॉलेट चाहिए था वो जो छोटा वाला साइज़ होता है ना इतना साइज़ या इससे भी छोटा जिसमें कार्ड्स के सेक्शन हो पर मुझे नहीं मिल रहा है मतलब यहाँ पे जो है उसमें एक या दो सेक्शन है और मैं तो कैश रखती नहीं मुझे कार्ड की कार्ड होल्डर की सख्त ज़रूरत थी तो वो नहीं मिल रहा है एक दो मैंने देखे लाइक आई रियली लाइक देम बट उसमें फिर कार्ड्स की जगह नहीं है लाइक आई रियली लाइक दिस बट इसमें कार्ड्स की जगह नहीं है तो आई गेस टुडे इज़ नॉट द डे नहीं मिल रहा है बड़ा वाला मैं सोच रही थी लेने का बट नहीं रहने देती मुझे छोटा ही चाहिए अभी टाइम है ग्रॉसरी शॉपिंग करने का तो हम लोग मोर में आ रखे हैं ये मिलू के पापा मम्मी और मुझे कुछ नहीं खरीदना मैं बस यहाँ पे आके इनके साथ टाइम पास कर रही हूँ इन लोगों को सामान खरीदना है ये लोग भर रहे हैं मैं बस राइट लेफ्ट देख रही हूँ कि हाय भगवान इतना सस्ता क्योंकि अभी तुमको पाउंड के बाद अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे ना तुमको लगेगा हाय तो ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं और मैं ऐसे ऐसे घूम रही हूँ और मिलू क्या कर रहे हैं मिलू यहाँ से ओके सो एंडिंग द डे अगेन ऑन फूड और हम लोग रोड साइड यहाँ पे ना सेक्टर 13 में बहुत अच्छी शॉप है हम लोग सालों से यहाँ आ रहे हैं एंड यहाँ का डोसा बहुत अमेजिंग होता है तो हम लोग डोसा और नूडल्स खा रहे हैं हम लोग ये सब शेयर करने वाले हैं क्योंकि किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं है बट स्वाद एक ऐसी चीज़ है जो छोड़े नहीं छूटता है सो वी गोना ईट मे बी बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा एंड जब आप ऐसी जगह से खाते हो ना तो लोग आपको ऐसे देख रहे होते हैं खाना पीछे बन रहा होता है और वो भैया कौन सा डोसा मसाला डोसा दादा बड़े मज़े आते हैं एज ऑफ नाउ मिशो कुछ खा रहा है क्या मिशो डोसा खा रहा है बटर मसाला डोसा दिस इज 10:30 PM इन द इवनिंग वी आर बैक होम और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज तो आवारा कर दी कि लिमिट क्रॉस हो गई आज तो इतना ज़्यादा घूमे इतनी सारी चीज़ें करी हमने थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई एम होपिंग आपको मजा आया होगा एंड वी ऑल्सो हैव मिशो सेइंग गुड बाय टाटा प्लीज टेक केयर बाय बाय